हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज ना मुझे सुबह वैसे तो उठना था 7 बजे और 8 बजे जाना था अम्बाला के लिए, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठा हूँ। 9 बजे उठा हूँ तो अभी ना 9:30 बज गए हैं। सिर्फ आधे घंटे में मैं हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अम्बाला ज्योति की जो ड्रेस है वो वापस करने और वहाँ से कुछ और देखने के लिए, क्योंकि ना घर में लड्डू की तबीयत अब ठीक नहीं है अभी तक, और कोई भी साथ जा नहीं रहा मेरे, तो मेरी ड्यूटी लगी है तो मैं जा रहा हूँ। तो फिलहाल अंजलि ज्योति दोनों बना रही है मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता। कैसे? गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बन रहे हैं आज परांठे। किस चीज़ के परांठे बन रहे हैं? आलू के परांठे। वाह, चलो लाओ फिर जल्दी यार, ज्योति लेट हो गया अंजलि में है, काफ़ी ओवर लेट है। सोए नहीं ना रात को, 3 बजे तो सोए। 3 बजे भी क्या, 3 बजे भी बस चाय पी के आए और आधे घंटे के बाद ही नींद आती है। अगर लेटो ना तो उसके बाद आधे घंटे के बाद ही नींद आती है। तो 3:30 बजे सोए रात को, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे इसी वजह से सुबह उठ ही नहीं गया। तो दोस्तों, अभी ना मैं अम्बाला पहुंच चुका हूँ। जो ड्रेस थी वो तो वापस कर दी और एक्सचेंज नहीं की, वापस ही किया क्योंकि फंक्शन अभी नज़दीक आ गया तो अल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी यहाँ पे देख रहा हूँ मम्मी ने मंगवाई है तागड़ी, तो इसमें काफ़ी सारे डिजाइन्स हैं। हमें यही भी अटेंड करते हैं। और भैया कैसे हो? ठीक हो जी? वीडियोस देखते हो सारी? ठीक है। और ये भैया भी हैं, कैसी लगती हैं भैया वीडियोस? बढ़िया, अच्छा। और काफ़ी डिज़ाइन इसमें भी सेम नहीं मिला इसका जी? दो दो पीस चाहिए हमें। इसमें नहीं है ये दोनों सेम सेम है? नहीं, ये वाला नहीं, यही डिज़ाइन और दे दो। ये तो 4 सिलेक्ट हैं, इसमें एक और दे दो। तो अभी इसमें से पसंद करना है, मम्मी को फ़ोटोज़ भेजता हूँ। फ़ोटोज़ भेज देता हूँ जो पसंद आएगी। तो ज्योति के लिए ना दोस्तों पूजा साड़ी से मैंने ड्रेस ले ली है, तो वीडियो कॉल पे पसंद करवा दी थी। बाकी अभी ना भूख लग रही है और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ टिक्की, टिक्की बनवा रहा हूँ। टिक्की यहाँ की ना बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, अभी ना 5:30 बज गए और मैं आ चुका हूँ घर पर वापिस। और यहाँ पे ना आते ही मैं देख रहा हूँ कि शूट चल रहा है यहाँ पे ऊपर, और सीधा मैं आ गया ऊपर। मैं कहा चलो मैं हेल्प करता हूँ शूट में, और ज्योति चली गई है लड्डू के पास, क्योंकि लड्डू के मैम आए हुए हैं। टीचर लड्डू के मैम, आज तो पूरी बात बता, आज से हमने लड्डू के साथ साथ ज्योति की भी ट्यूशन क्लास रख दी है हिंदी की, क्योंकि वो व्याकरण के अंदर बहुत ज्यादा थोड़ी सी अपसेट होती है हिंदी व्याकरण में, तो इसलिए हमने आज उसकी भी ट्यूशन रख दी है। 1 घंटा लड्डू की ट्यूशन चलेगी, उसके बाद 1 घंटा ज्योति की ट्यूशन चलेगी हिंदी की, ताकि वो आपके सामने व्लॉग के अंदर अच्छे से बात कर पाए, क्योंकि जो उसे स्पीकिंग की थोड़ी दिक्कत आती है ना, तो उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल हम खत्म कर देंगे और ज्योति आपके सामने व्लॉग में पूरी बातें करेगी नए रूप में। तो सास ने बहू की लगाई ट्यूशन। बढ़िया यार, ये स्टोरी बन सकती है मम्मी। बन सकती है क्यों? सास ने लगाई। तो मैंने इतना कुछ सिखाया है कि मैंने कभी बहू नहीं समझा, जब शादी करके आई थी उसमें इतना भोला बन था, बहुत जिंदगी की बातें सिखाई हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो आशु के कदम के साथ कदम मिला के चले, कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे एटीट्यूड के साथ और पूरे वो क्या बोलते हैं आत्मवतन आत्म सम्मान के साथ, तो वो कदम से कदम मिला के चले तेरे साथ। तो आज था शूट, लाइफ में ऐसे स्ट्रांग बना दूंगी बस। बढ़िया है। तो अभी चलते हैं नीचे, मम्मी शूट हो चुका है डन, एक स्टोरी डन हो चुकी है हमारी, तो अगली स्टोरी पे लगते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लड्डू कर रहा है स्टडी अपनी मैम के साथ बैठा है। yes. बोल बोल के साथ मैच कुछ कलर बताओ। रेड रेड ये कौन सा कलर है लड्डू? ऑरेंज। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ना लड्डू की क्लास के बाद ना ज्योति की क्लास चल रही है। क्या चल रही है पढ़ाई आज? चल ठीक है, मैथ्स क्या कर रही है ये? चल कर कर कर। नहीं नहीं कहता यार, हिंदी की क्लास है भाई, सीधी बात। फिलहाल पंजाबी की चल रही है। स्टार्टिंग पंजाबी से है भाई।
ठीक है, अभी दीदी चेक करेंगे पहले कि कैसी आती है भाभी को, है ना भाभी। हाँ चल कर कर स्टडी, बेस्ट ऑफ लक। रात के ना 10 बज चुके हैं जी और डिनर हमारा हो चुका है रेडी। क्या बनी है मम्मी आज सब्जी? गुड़ गोबर जो बचा पड़ा था बना, आलू गोभी गाजर, आलू गोभी गाजर मटर मिक्स। सॉरी मैंने गुड़ गोबर बोल दिया। कुछ नहीं होता, जो भी है खाने में, जो फ्रिज में बचा हुआ था गोभी पड़ी थी, गाजरे पड़ी थी, मटर पड़े थे, नए आलू थे, जो है मिक्स करके सब्जी बनाऊं। ओके आलू नए आ गए अब, है ना, अच्छे बनते हैं। और हमारी ना दोस्तों पैकिंग चल रही थी सभी की, सभी के अलग अलग जो है टैचियां बन चुकी हैं, तो जो शादी की तैयारी है चल रही है और यहाँ पे भी पैकिंग पड़ी है कितनी। मम्मी इतना सामान कैसे जाएगा हमारा बड़ी गाड़ी में? नहीं ये सामान तो बड़ी गाड़ी में भी नहीं जा पाएगा यार, मुझे लगता है कल सुबह जो काम है ना, शादी बोलनी चाहिए थी कि पटियाला में घर, और हमें आना मुश्किल है ना। और एक और मुबारक होने वाली है, हमारी आने वाली है गाड़ी नई, तो आप देखना कि कौन सी आने वाली है। ठीक है मम्मी। तो दोस्तों अभी ना 12 बज चुके हैं और लड्डू की ना अभी जो मेडिसिन चली रही है, अभी फिलहाल काफ़ी दिन चलनी है मेडिसिन लगातार, और अचानक देखी हमने कि वो ख़त्म हो गई है, तो हमें अभी याद आया अभी टाइम था इसकी मेडिसिन का, तो हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए। यहाँ आसपास तो कहीं मिलेगी नहीं, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर ही मिलेगी, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो सभी हो गए हैं रेडी, है मम्मी सभी रेडी हो के जा रहे हैं। चल आ जा लड्डू आ जा। और बच्चों के लिए तो सर्दी आ चुकी है मम्मी अब, है ना, बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, अचानक से ऐसे लग रहा है कि ठंड बस शुरू हो गई है, जैसे अब तक लग रहा था कि नवंबर आ गया है अभी तक सर्दी नहीं आई, लेकिन अब मौसम एकदम से चेंज हो गया। तो दोस्तों अभी रात का 1 बज चुका है और लड्डू के आसपास ना नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही। लड्डू टैब छोड़ दे बेटे, सोई सोई कर ले अब, चल चल चल। मम्मी इतना गुस्सा क्यों करता है यार ये हर बात पे, कितना गुस्सेला आज मम्मी। कलर कैसे बोल रहा था, नहीं आज वैसे कलर कैसे बोल रहा था, है ना मैडम को हर चीज ऐसे बता रहा था पूरी जनन, सारे कहते लाड़ लाड़ में बच्चे को बिगाड़, तो फिर क्या करें, फिर दादी ने बिगाड़, बिगड़ेंगे भाई बच्चे तो, बच्चे तो बिगड़ते ही हैं, सभी के बच्चे जितने भी अच्छे हों, लेकिन ऐसे ही लगता है सबको कि बिगड़े हुए हैं, बिगड़े हुए हैं कि नहीं, जितने भी सुधरे हों बच्चे। अब ये बच्चे तो बिगड़े लिए अच्छे लगते हैं, अगर ये शांति से बैठा रहे सारा दिन चुपचाप तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा, वो बच्चा कैसे रहा फिर मम्मी, है बच्चे तो शरारती होते हैं भाई। मेरे बच्चे आशु अंजलि को बुरा बोलो, जैसे इसे नहीं बोलना, जैसे इनको बनाया वैसे इसे बनाऊंगी, बस ठीक है। इसे बुरा बोलना है तो मतलब मेरे संस्कारों को बुरा बोलना है, संस्कारों को बोलना है तो आशु और अंजलि को भी बुरा बोलना। तो फिलहाल दोस्तों रात के ना 2 बजने वाले हैं और आज का व्लॉग ना दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज बहुत कुछ हुआ दिन में, सुबह से लगे हुए हैं सभी, थक भी बहुत ज़्यादा गए, और फिलहाल आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।